हाय एवरीवन, वेलकम बैक। आई होप यू आर कीपिंग हेल्दी एंड सेफ। आज हम पढ़ेंगे एडवर्टाइजिंग कॉपी। अभी तक हम एडवर्टाइजिंग के बेसिक्स पढ़ चुके हैं, मीडिया के बारे में पढ़ चुके हैं, मीडिया प्लानिंग पढ़ चुके हैं और एडवर्टाइजिंग अपील पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट थिंग विच कम्स इन लॉजिकल सीक्वेंस इज एडवर्टाइजिंग कॉपी। एडवर्टाइजिंग कॉपी मीन्स आप जो एड देखते हैं टीवी में या न्यूज़पेपर पे, या जो आप एड सुनते हैं रेडियो में, उसमें जो भी बोला जाता है, लिखा जाता है, जिस तरीके से बोला जाता है, जिस तरीके से लिखा जाता है, दिखाया जाता है, वो डिसाइड करना, राइट? सो व्हाट इज अ कॉपी? कॉपी मींस रिटन मटेरियल व्हिच इज सेट इन टाइप फॉर प्रिंट मीडिया और स्पोकन बाय द ब्रॉडकास्ट फॉर कमर्शियल। सो मतलब जो भी मटेरियल है जो आप अपनी एड में, प्रिंट एड में लिखते हैं या ब्रॉडकास्ट एड में बोलते और दिखाते हैं, वो हुआ आपका कॉपी। इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है? इसमें इंक्लूड होता है वट एवर वर्ड्स यू आर सिलेक्टिंग, जो भी आप विजुअल्स दिखाते हैं, साउंड इफेक्ट, द म्यूजिक, द एक्शंस विच आर गोइंग ऑन, इलस्ट्रेशंस जो आप देते हैं, एटसेट्रा। सो ऑल द कॉन्टेंट, जो आपका मैसेज है, आप कैसे दिखाते हैं, वो हुआ कॉपी, एडवर्टाइजिंग कॉपी, राइट? नाउ व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ कॉपी? आप देखेंगे अगर आप एक कोई भी न्यूज़पेपर उठाएं, कोई भी मैगजीन उठाएं या कोई भी टेलीविजन का चैनल चलाएं, कितनी सारी एड्स आ रही होती हैं, बट दे आर कम्पीटिंग फॉर योर अटेंशन, बट यू आर नॉट पेइंग अटेंशन टू ऑल द एड्स। आप किस एड पर ध्यान देंगे? खरीदना तो दूर की बात है, सबसे पहले एड आपकी अटेंशन को सीक करती है, राइट? जब तक आपको ये एहसास ही नहीं होगा कि ऐसी कोई ऐड भी आई थी, आप खरीदेंगे कैसे, आप इंक्वायर कैसे करेंगे उसके बारे में? सो द फर्स्ट पर्पस ऑफ कॉपी इज कि आपकी कॉपी ऐसी हो कि लोग उसको देखें, दे शुड लुक एट योर एडवर्टाइजमेंट। अगर एक न्यूज़पेपर के पेज पे चार ऐड हैं तो आपकी ऐड अट्रैक्टिव होनी चाहिए ताकि लोगों का उस पर ध्यान जाए। देन सेकेंड थिंग इज दैट दे शुड लाइक योर कॉपी। आपकी एडवर्टाइजमेंट अट्रैक्टिव हो, उन्होंने ध्यान दिया लेकिन उनको पसंद नहीं आई, राइट? तो क्या फ़ायदा हुआ? सो दे शुड लाइक योर कॉपी, दे शुड लाइक योर एडवर्टाइजमेंट, ताकि वो आगे जाकर उसको पूरा पढ़े, राइट? ये नहीं कि देखा और आगे बढ़े। सो आपका ध्यान गया, आपको पसंद आई, देन आपने उनकी एड से कुछ सीखा। सो फॉर एग्जाम्पल, अगर म्यूचुअल फंड की ऐड दे रही हूँ मैं, तो उन आपने कुछ ऐसा लिखा है कैची जो मेरा ध्यान जाता है वहाँ पर, जिससे मैं कनेक्ट कर पाती हूँ और मुझे पसंद आती है, और उसको पढ़ने के बाद मुझे कुछ समझ आ रहा है, मैं कुछ सीख रही हूँ। एंड अल्टीमेट जो आपका एक्शन होना चाहिए वो होना चाहिए बाय। अगर आपको मेरी ऐड बहुत पसंद आ रही है लेकिन आप मेरे प्रोडक्ट या सर्विस को अवेल नहीं कर रहे, खरीद नहीं रहे, देन वॉट इज़ द यूज ऑफ एडवर्टाइजमेंट? सो एडवर्टाइजमेंट आपको परसुएट करती है कि अल्टीमेटली आप प्रोडक्ट खरीदें। हो सकता है वो प्रोडक्ट आप इमीडिएटली नहीं खरीद रहे, लेकिन जब भी आपको वो प्रोडक्ट या सर्विस चाहिए तो आप मेरा ही खरीदें। सो ये हुआ एडवर्टाइजमेंट कॉपी का पर्पस या ऑब्जेक्टिव, या आपका कॉपी का क्या फंक्शन है कि लोग उसको देखें, पसंद करें, उससे कुछ सीखें एंड अल्टीमेटली आपका प्रोडक्ट खरीदें। नाउ एसेंशियल्स फॉर एन इफेक्टिव कॉपी। आपकी कॉपी अच्छी कैसे होगी, राइट? आगे जाकर हम एग्जाम्पल भी देखेंगे कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉपी कैसी होती है, तो आपको और क्लियर हो जाएगा। बट फॉर द टाइम बीन हम ये देख रहे हैं कि हमारी जो कॉपी है, जो भी हम लिख रहे हैं, उसमें क्या क्या होना चाहिए, वो कैसी होनी चाहिए। सो एसेंशियल्स फॉर एन इफेक्टिव कॉपी। मेरा एडवर्टाइजमेंट का कॉपी अच्छा होगा अगर वो ब्रीफ है। यू सी एडवर्टाइजमेंट में, अगर आप टीवी में दिखा रहे हो, लिमिटेड टाइम होता है। इफ़ यू आर गिविंग इन न्यूज़पेपर, यू हैव लिमिटेड स्पेस, आप बहुत कुछ नहीं लिख सकते, राइट? सो यू हैव टू बी ब्रीफ, बट यू हैव टू बी एप्ट ऑल्सो। ऐसा नहीं है कि आप मेन पॉइंट्स मिस कर जाओ, राइट? देन यू हैव टू बी क्लियर, आप क्या कहना चाह रहे हो, लोगों को समझ आना चाहिए। आपका एड पढ़ के लोग कन्फ्यूज हो जाए, ऐसा एड नहीं होना चाहिए, राइट? देन यू शुड हैव अ पर्सनल टच। आप पढ़ो तो आपको लगे कि अरे ये तो मुझसे ही कम्युनिकेट किया जा रहा है, राइट? सो इफ लाइक इट इज़ अ कॉम्पिटिटिव एग्जाम, सो ऑल द एग्जाम एक्सपायरेंट्स, जैसे नेट के अगर आप एग्जाम देना चाहते हो, तो अगर हेडलाइन ऐसी बड़ी बड़ी हम लिखेंगे कि फॉर स्पेशली फॉर ऑल द स्टूडेंट्स हु वॉन्ट टू अपियर इन नेट, तो आपका ध्यान इमिडिएटली उस पर जाएगा, आपको लगेगा दैट इट इज़ फॉर यू। सो इट शुड हैव अ पर्सनल टच,
वो कैसे हो सकता है, आप जो लिखते हो उसमें या जो बोलते हो, जो आपके वर्ड्स सिलेक्शन होते हैं वो उसके हिसाब से होने चाहिए कि लोगों को लगे कि ये मेरे से कनेक्ट कर रहा है। देन ऑफ कोर्स इट शुड बी बिलीवेबल। बहुत सारी एड्स हम ऐसी देखते हैं जो हमें लगता है कि ये तो ऐसे ही है, ऐसा तो होता ही नहीं है। देन व्हाट्स द यूज़ ऑफ गिविंग एन एड जिसको लोग जिस पे लोग ट्रस्ट ही नहीं कर रहे या जिसको देख के ही लग रहा है कि यार ये तो हो ही नहीं सकता, राइट? सो द एड जो भी आप दिखा रहे हो, द कॉपी शुड बी बिलीवेबल, राइट? कोई ड्रिंक पी के आए, यू आर नॉट गोइंग टू गेट विंग्स, राइट? आप उड़ने नहीं लग जाओगे, आप कोई प्रोडक्ट कंज्यूम करके करोड़पति नहीं बन जाओगे। सो योर कॉपी शुड बी बिलीवेबल, इट शुड बी सिंपल, राइट? अगर आप टेक्निकल वर्ड्स यूज करते हो, जार्गन्स यूज करते हो जो लोगों को समझ ही नहीं आ रहे, ऐसे लग रहा है कि हाँ बहुत ही कोई बड़ी चीज़ है लेकिन हमें तो समझ नहीं आ रही, देन थाउजेंड्स एंड लैक्स ऑफ पीपल आर नॉट गोइंग टू क्लेरिफाई इट फ्रॉम कंपनी। आपको अपना काम आसान करना है, आपको एड में लोगों को समझाना है कि आप क्या बेचना चाह रहे हो और आप लोग उसको क्यों खरीदे। इफ यू गोइंग टू मेक इट कॉम्प्लेक्स तो लोग उससे कनेक्ट ही नहीं कर पाएंगे, लोगों को समझ नहीं आएगा, खरीदना तो दूर की बात है। एंड लास्ट वन, इट शुड बी यूनिक। अगर दो ब्रांड्स हैं, हम दोनों ही सेम चीज़ बोल रहे हैं, तो फिर आप में डिफरेंस ही क्या है? वाई आर देयर टू ब्रांड्स देन? सो यू हैव टू सेल योर USP, यूनिक सेलिंग पॉइंट इन द एडवर्टाइजमेंट। हो सकता है जैसे वॉशिंग डिटर्जेंट है, सारे वॉशिंग डिटर्जेंट का काम क्या है? कपड़े धोना। नाउ इफ यू आर टेलिंग कि इसे आप अपने घर के कपड़े धो सकते हो, वो तो हर किसी भी डिटर्जेंट से धो सकते हैं, सो वाई शुड आई टेक योर ब्रांड? सो आप देखेंगे कि आजकल ब्रांड्स बताते हैं कि ये ज़्यादा वाइट करता है, या ये ऑर्गेनिक है, या ये है हार्मफुल केमिकल्स नहीं यूज़ करते हम, या इससे हमारे हैंड्स सॉफ्ट रहते हैं, इसमें ये वाला फ्रेग्रेंस है, ये सबकी नंबर वन पसंद है, भारत की नंबर वन पसंद है। सो यू हैव टू टेल वाई वी शुड टेक योर ब्रांड, व्हाट इज़ योर यूनिक सेलिंग पॉइंट। सो इन योर एडवर्टाइजमेंट, जहाँ पर आपके पास टाइम कम होता है, जगह फिक्स्ड होती है, यू हैव टू टेक केयर कि जो भी वर्ड्स, पिक्चर और स्टोरी आप बता रहे हैं अपनी एडवर्टाइजमेंट के थ्रू, वो इन सब पॉइंट्स को ध्यान में रख के बता रहे हैं। सो दीज आर द एसेंशियल्स फॉर इफेक्टिव कॉपी। सो विद दिस आई होप यू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ कॉपी, एडवर्टाइजिंग कॉपी। एडवर्टाइजिंग कॉपी का मतलब जो भी आप एड में दिखा रहे हैं, बता रहे हैं, लिख रहे हैं, द वर्ड्स यू आर सिलेक्टिंग, हेडलाइन और सब हेडलाइन, या जो भी आप इलस्ट्रेशंस बता रहे हैं, जो भी आप स्लोगन्स और जिंगल्स यूज कर रहे हैं, ये सब इकट्ठा मिलकर आपका कॉपी बनाते हैं, राइट? नाउ आई होप यू कैन अंडरस्टैंड कि कॉपी अलग अलग होती है प्रिंट मीडिया के लिए, राइट? एंड अलग होगी ब्रॉडकास्ट मीडिया के लिए, क्योंकि प्रिंट मीडिया में आप लिख रहे हैं और ब्रॉडकास्ट मीडिया में आप दिखा रहे हैं, रेडियो में आप सुना रहे हैं, तो जो इनके एलिमेंट्स होंगे वो अलग अलग होंगे। सो इन आर नेक्स्ट वीडियो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द एलिमेंट्स ऑफ प्रिंट कॉपी इन डिटेल। इफ यू आर स्टडिंग इन योर ग्रेजुएशन, मोस्टली आपसे ये पूछा जाता है कि प्रिंट कॉपी के एलिमेंट्स क्या होते हैं, आपको सारे एलिमेंट्स पता होने चाहिए, एंड देन यू कैन गेट क्वेश्चंस आस्किंग ईच एलिमेंट इन डिटेल, सो यू शुड बी क्लियर विद देम ऑल्सो। सो इन आर नेक्स्ट वीडियो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट प्रिंट कॉपी एंड इट्स एलिमेंट्स। टिल देन इफ यू हैव एनी क्वेरीज प्लीज फील फ्री टू आस्क इन द कॉमेंट सेक्शन बिलो एंड आई विल बी हैप्पी टू हेल्प। टेक केयर एंड हैव अ गुड डे।